So guys, welcome to the walk daily. So we have reached Guwahati. So this is my first vlog. So we are here in Guwahati, in Guwahati Airport. We will be going to meet Vikas Dayal in a short while. अभी सबसे पहले सामान अपना उठाते हैं बेल्ट से, उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं। गुवाहाटी का एयरपोर्ट दिल्ली की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, बट बहुत अच्छा बना रखा है। छोटी सी बेल्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है। वैसे अभी सामान आएगा, विकास भाई ने बाहर गाड़ी भेजी हुई है, फिर देखते हैं बाहर का मौसम कैसा, आपको बताते हैं बाहर जाके। ये बैग आ गया अपना, पेट भी आ गया बीच में। ये बैग है, लेट्स बिगिन द जर्नी। टेम्परेचर है यहाँ का सर कम की है, कम की है, बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर है। भैया को भी नहीं पता, हम अगर टेम्परेचर चेक करके बताते हैं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे वी हैव जस्ट एंटर्ड फैंसी बाजार, एंड ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आप देख रहे हो बीच में फेरीज खड़ी हैं, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा, फेंसिंग हो रखी है। बट आई थिंक मेघालय में इलेक्शन हैं तो उसकी वजह से ना काफ़ी सिक्योरिटी है, बट साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है। आप देखिए रोड के किनारे, यहाँ से आपको क्लियर व्यू आएगा। ये ब्रह्मपुत्र, ये फेरीज खड़ी है। अभी हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो जीएस रोड पे कोई गेटवे ग्रैंडियर पे ले आए थे, बट हमारे को जाना है ग्रीनवुड होटल बेलतोला में, जो खानपुरा रोड पर है। अभी डिटोर हो गया है और 24 मिनट दिखा रहा है, स्पीड की बैंड बज रही है। विकास का फ़ोन आ रहा है, वेट कर रहा है वो वहाँ पे। सरप्राइजिंगली वो भी जल्दी सो के उठ गया है। अब वहाँ जा के देखते हैं, अब बस हमारी बारी है। इधर बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और रूल्स पूरे फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत फाइन लगाती है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे, आपको मिलवाते हैं विकास से। फाइनली वी हैव रीच्ड दी होटल। अभी हम आगे से यू टर्न मारेंगे और फाइनली 2 घंटे की जर्नी के बाद अब हम मिले हैं होटल। होटल मिला है, भैया भी बहुत खुश हैं कि हमारे को होटल मिल गया है। भैया अभी सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं अपनी सवारी लेके, अब भैया को छुट्टी मिलेगी। बस ये अब हम एंटर करेंगे अपने होटल में, अब आगे मिलते हैं विकास से। ये है जी हमारा होटल, द ग्रीनवुड रिजॉर्ट। अब अंदर चल के देखते हैं विकास किधर है। तो दिस इज़ दी होटल, वी हैव रीच्ड द रिसेप्शन। सेकेंड फ्लोर पे है विकास, थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। चश्मा भूल गया था मैं अपने स्पेक्स, मेरी आँखें। अभी भैया दोबारा आए हैं चश्मा लेने के लिए, तो भैया से हम चश्मा ले लें। सॉरी भैया, कोई बात नहीं, आपको तंग किया हमने। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो थैंक यू भैया। बहुत सही, अच्छा होटल है। अभी देखते हैं विकास क्या कर रहा होगा, उसको हम कैप्चर करें या बीट करें। अब देखो कौन खोलेगा। तो जी हम हो गए रेडी, ये विकास भी रेडी हो गया। अब हम जा रहे हैं एनरलाइन परमिट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें निकलना है अरुणाचल हाउस से। एक्चुअली ना एनरलाइन परमिट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ऑनलाइन हमने कोशिश किया लेकिन हमारा पॉपअप ब्लॉकर पता नहीं हट ही नहीं रहा है, और उसमें जो फॉर्मेट चाहिए ना वो फॉर्मेट हमारे पास है नहीं, तो हम ऑफलाइन अप्लाई करेंगे अरुणाचल, क्योंकि हम ऑलरेडी गुवाहाटी में, तो अरुणाचल हाउस जाके सादिक भाई से हेल्प लेंगे और उसके बाद जाएंगे हम आश्मीज क्यूजीन खाने, जो कि यहाँ की लोकल डेलिकेसीज है। आपको दिखाते हैं वो क्या क्या है। अभी हम लोग जा रहे हैं एनरलाइन परमिट अप्लाई करने ऑफलाइन मोड पे, उसके लिए मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है क्योंकि मैं फ़ोटो लाया नहीं, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए।
अब देखते हैं ऑफलाइन में कहाँ जाके हम अप्लाई करते हैं। अरुणाचल भवन स्कोप किया है विकास ने। तो अभी हमने खाए हैं असम के ऑथेंटिक समोसे जो कि बहुत ही बढ़िया थे, और साथ में भी हमने चाय। अब हम जा रहे हैं बेल्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरी बेल्ट रह गई है गुड़गांव में। विकास फुचका खाने जा रहे हैं हम, अलग अलग पानी वाला, इमली के पानी वाला, इमली के पानी वाला। अभी हम फुचका खाएंगे आपकी सेकंड क्यूजीन जो लेगेसी है यहाँ की दिल्ली के लिए। ये भैया के पास आ गए हम फुचका खाने। हमारे वहाँ गोलगप्पा होता है और यहाँ पे फुचका होता है। तो अभी हमने पिया गन्ने का जूस ये अंकल से, और ये है मीटअप लोकेशन जहाँ शाम को 7 बजे मीटअप है विकास का, तो यहाँ पे सारे मिलेंगे आज शाम को। अभी हम आए हैं मिसिंग किचन। मिसिंग किचन का मतलब ये नहीं है कि किचन को कोई मिस कर रहा है। मिसिंग किचन, मिसिंग इज़ अ ट्राइब इन असम। तो अभी हम असामी कुजीन खाने आए हैं जो यहाँ की डेलिकेसी है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये हमारे नॉर्थ इंडिया के टेस्ट से मिलता जुलता टेस्ट है। तो यहाँ का कोई स्पेशल रेस्टोरेंट है ये मिसिंग किचन। मुझे 1 साल के बाद ये किंग चिली मिली है इतने ढूंढने के बाद, जब मैं दोबारा आया हूँ गुवाहाटी असम घूमने के लिए, स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश फॉर आर ट्रिप। ये है किंग चिली जो धुएं निकाल दीजिए। सो हेयर कम्स द बीस्ट 0003। अब हम फाइनली मीटअप के लिए जा रहे हैं। वी आर रेडी फॉर द मीटअप। अभी आगे बताते हैं कौन कौन वहाँ पे क्या क्या है, उसको डिस्कस करते हैं आगे चल के। सर मनी भाई नहीं आए? मनी भाई, हाँ मनी भाई तो डॉक्टरी में बिजी है। सर आपको भी ब्लॉग्स में देखता हूँ। सर आपका मैं आज नहीं आया। सर आपका लादक वाला विकास जी के साथ भी ट्रिप अच्छा हुआ। थैंक यू मनी भाई। मनी भाई नहीं है, वो उत्तराखंड गए हैं। आपका नाम करण सर है ना जी? कैसे हो आप लोग? अरे क्या बात कर रहे हो, 110 किलो आपसे मिलने की। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस एक बार गाड़ी लगवा देते मनी भाई, आपकी लीला करना मुझे है। फोटो बस एक बार गाड़ी अंदर ऐसे लाइट से आएगी नहीं। हाँ लाइक सर कतई सर कतई यहाँ से ना एक्चुअली मुझे सब लोग दिख रहे हैं,
तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मतलब इतना प्यार देने के लिए. नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली, मैं हिमाचल उत्तराखंड ना थोड़ा सा ज़्यादा करीब है ना, तो तुरंत पहुँच जाते वहाँ पे. बट डेफिनेटली ये प्रॉमिस है कि साल में एक बार तो नॉर्थ ईस्ट का पक्का प्लान करेंगे, और ना अलग अलग स्टेट, क्योंकि इतना बड़ा है ना कि एक बार में हो नहीं सकता. मतलब एक बार में तो हिमाचल उत्तराखंड कंप्लीट नहीं कर पाए, तो साल में अभी से करेंगे ना तब शायद 10 साल बाद जाके कंप्लीट कर पाए. मतलब हर साल में 10-15 बार चाहिए नॉर्थ ईस्ट को पूरा. बाकी इस बार तो अपना प्लान यही है कि थोड़ा सा घूम के एक पर्टिकुलर स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना जो हमें लद्दाख तक में नहीं मिला ना. मतलब बेसिकली हम स्नो देखने आए, तो हमें पता चला कि भाई अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा स्नो है, तो अरुणाचल और आसाम का इस बार अभी तक का प्लान है. बाकी प्लान रैंडम हो सकता है. बाकी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए. मतलब वॉट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ ऑल द गाइज, मतलब सब लोगों का प्यार ही है. तो लेकिन सर आपका अभी तक जितना ब्लॉग देखा, कहीं भी आपका मीटिंग, कहीं भी आपका मीटअप नहीं था? हाँ मैं मीटअप, हाँ मैं बहुत ही मतलब खास टाइम है जो फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ शुरू से आपको. इतना अच्छा लगा जिस दिन आपने स्टोरी लगाया कि मीटअप चाहिए आप लोगों को बोल के, बहुत रैंडम प्लान बना मीटअप का. मतलब मैं ऑन द वे था मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी आ रहा था, तब मुझे क्योंकि लोकेशन नहीं पता होती ना कि वहाँ पे लोकेशन क्या, तो मैंने भाई को फ़ोन किया. मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा आपके आसपास कोई ऐसा खाली जगह है जहाँ पे कम से कम 20-25 लोग आ जाए और किसी को परेशानी नहीं हो, क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं बुलाऊँ और फिर परेशान हो जाए. तो फिर उन्होंने बोला नहीं हम कर सकते हैं. तब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है सर ये प्लान करते हैं, क्योंकि मैं गुवाहाटी में एक दो दिन अभी हूँ, तो डेफिनेटली ये तो प्लान करते हैं. पक्का 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 पक्का. अच्छा I know, thank you. Welcome to Assam. Thank you. Come, I'll shoot that for you. Welcome to Assam, sir. Thank you, sir. Thank you. ये है जापी. अच्छा ये भी है? ये भी है. ये हम लोग ट्रेडिशनल का है. अच्छा thank you, sir. थैंक यू. हाँ बिल्कुल 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 कैसे करना है? आप फोन रख दीजिए, एक फोटो खींच लेते हैं, ये हटा लीजिए. अच्छा हटा दीजिए, क्योंकि आपको पहनाने के लिए मुश्किल हो जाएगा. नहीं अजू के साथ डॉक्टरी में बिजी है. मैं नेक्स्ट टाइम आप और अजू है डिफेंडर लेके एक साथ. मैंने अजू को बोला था. हां एल्विश भाई भी. हां मैं एल्विश तो इतने दूर आने से रहा, बट अजू तो डेफिनेटली. हां और मनोज भाई को भी. हां मनोज भाई अभी आए थे शिलांग. बस तो डेफिनेटली ये तो प्लान करते ही है. मैं अभी भाई गए अभी मतलब अच्छा है ना, मतलब जो इस साल का मिलेगा वो पूरी हो जाएगी. कौन ज्वाइन कर रहा है? मेरे को करण ज्वाइन कर. आपका पूरा ट्रिप के बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? मतलब बर्फ मिले, बर्फ चाहे जितना भी है, अगर ब्लैक आइस मिलता है फिर गाड़ी फिसल गई. अच्छा तो फिर बस हिमाचल घूम लिए तो तवांग कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, नहीं सैला पास नहीं, कुछ नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. है जो फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ शुरू से आपको, इतना अच्छा लगा जिस दिन आपने स्टोरी लगाया कि मीटअप चाहिए आप लोगों को बोल के. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत रैंडम प्लान बना मीटअप का. मतलब मैं ऑन द वे था मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी आ रहा था, तब मुझे क्योंकि लोकेशन नहीं पता होती ना कि वहाँ पे लोकेशन क्या, तो मैंने भाई को फ़ोन किया. मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा आपके आसपास कोई ऐसा खाली जगह है जहाँ पे कम से कम 20-25 लोग आ जाएं और किसी को परेशानी नहीं हो, क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं बुलाऊँ और कोई परेशान हो जाए. तो फिर उन्होंने बोला नहीं हम कर सकते हैं. तब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है फिर ये प्लान करते हैं, क्योंकि मैं गुवाहाटी में एक दो दिन अभी हूँ, तो डेफिनेटली ये तो प्लान करते ही है. पक्का 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 पक्का. नेक्स्ट टाइम ना पूरा गैंग आना, तब ज्यादा मजा आएगा. थैंक यू असम, थैंक यू सो मच.
सबसे पहले आके ना गाड़ी धुलवाई, गाड़ी इतनी गंदी थी, मैंने शादिक भाई को बोला शादिक भाई प्लीज आज बंद मत करना, आज प्लीज गाड़ी मतलब साफ करके जाएंगे। अभी तो चमक रहे सर, अभी चमक रहे, तभी चमक रहा है। क्या करना मुझे? फोटो खींचना है। फोटो खींचना है, आप भी आओ ना। तो ऐसे एक खींच लेते हैं, फिर सब खींचते रहेंगे। हाँ, उसको भी पहनाना है, वो भी पहना लेंगे, खींच भी लेंगे। अच्छा ठीक है, ऊपर से भी खींच सकते हैं, यहाँ पे तो सही है, ऊपर आपको ड्रोन की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको मर्जी, जहाँ से मर्जी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फोटो दिया, इतना गमोसा हो गया दुकान खोल रहा हूँ। मैं तो भाई, मेरा तो अगले 5 दिन का ट्रिप था। हाँ सही, सारे बेचूंगा मैं इधर, दुकान लगा रही हूँ। आपका फैंस बहुत है, नॉर्थ ईस्ट में साल में एक बार आना पड़ेगा। हाँ पक्का। विकास का मीटअप चल रहा है डिटेलिंग लेवल्स पे। अमेजिंग क्राउड, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग फैन फॉलोइंग, अमेजिंग सब्सक्राइबर्स। आई मीन इट इज़ अ वेरी गुड टाइम वी आर स्पेंडिंग हियर। गए अभी तूफान, मतलब खतरनाक है। अच्छा है ना, सही है। मतलब जो इस साल के तो मजा मिलेगा वो पूरी हो जाएगी। कौन ज्वाइन कर रहा है? वाह, मेरे को करण ज्वाइन कर रहा है सर। बस वही, बस बर्फ मिले, बर्फ चाहे जितना भी है। अगर ब्लैक आइस मिलता है फिर गाड़ी फिसल गई। इतना प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा तो फिर बस हिमाचल घूम लिए तो तवांग कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, नहीं सैलाबास नहीं, कुछ नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम से आराम से। और फिर मिल चुका करके डिफेंडर किया, बट अदरवाइज तो गाइस आज का दिन हुआ ख़त्म। डे 1 इन गुवाहाटी वॉज एंडेड इन अ वेरी गुड मैनर। वी वेंट आउट, कहीं पहाड़ पे भी गए हम लोग। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो इसमें नहीं होगा। बट अगर मेरा पहला व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।